हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है, जहां पर आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किस तरह से उस कंपनी को एनालाइज किया जाता है, उसके फंडामेंटल्स को समझा जाता है, उसके बिजनेस प्रोस्पेक्ट को, उसके बिजनेस का पूरा मॉडल को कैसे समझते हैं, देन फिर कैसे एक रैशनल डिसीजन लेते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। तो यहाँ पर इस चैनल का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव एजुकेशनल पर्पस है और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने की कोशिश नहीं की जा रही। किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह करें। तो यहाँ पर इस चैनल में हम जो भी कंपनी को का डिस्कशन करते हैं तो ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू एजुकेट यू कि आप किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट करने का सोचें तो किस तरह से उस कंपनी को एनालाइज करें, किस तरह से उस कंपनी के बारे में पढ़ें, उसका बिजनेस मॉडल को समझें। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपनी का नाम है कोचिन शिपयार्ड। ये शिप बनाने वाली एक कंपनी है और शिप का रिपेयरिंग का पूरा काम भी करती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग इस कंपनी के बिजनेस को एनालाइज करते हैं। तो कंपनी कोचिन शिपयार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, यानी नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है जहां पर मेजोरिटी शेयर होल्डर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये किसके डायरेक्शंस पे जनरली काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में काम करती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड शिप्स बनाने का जो काम होता है वो नेवल के अंदर में आता है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का काफी इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है। तो समझते हैं कंपनी का क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है और किस तरह का बिजनेस में है कंपनी। इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1972, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1972 में। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इज अ लीडिंग प्लेयर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेसल। तो प्लीज इसको नोट करने का है कि ये ऑल काइंड ऑफ वेसल्स बनाती है। नाउ व्हाट इज वेसल, वेसल का सिंपल सा मतलब है एन काइंड ऑफ शिप व्हिच हेल्प टू कैरी गुड्स एंड पीपल, यानी पैसेंजर को कैरी करने का काम करे या गुड्स को कैरी करने का काम करे, उस तरह के शिप्स को हम लोग वेसल बोलते हैं। तो ये सारे तरह के वेसल्स का कंस्ट्रक्शन का काम भी करती है, उनके रिपेयर्स का काम भी करती है और उनके रिफिटिंग का भी काम करती है, इंक्लूडिंग पीरियोडिक अपग्रेडेशन एंड लाइफ एक्सटेंशन ऑफ शिप। और अगर कोई पार्ट्स को अपग्रेड करना हो उस शिप में तो उसका भी काम करती है और कुछ पुराने पार्ट्स को रिप्लेस करके शिप का लाइफ को एक्सटेंशन देने का भी काम करती है। नाउ अभी तक कंपनी का बिजनेस क्या रहा है, उन्होंने क्या क्या एकम्प्लिश कर लिया है वो देखते हैं। Company has built and repaired some of the largest ships for its esteemed customers across the globe. तो company ने अभी तक जो काम किया है उसमें इन्होंने build किया है और repair किया है some of the largest ships across the globe. It has exported some 45 ships to various clients outside India. और अभी तक 45 ship already ये लोग India के बाहर export भी कर चुके हैं। It has developed its expertise from building bulk carrier. तो इनका expertise क्या चीज में है? Bulk carrier बनाने में इनका expertise. To smaller ships और छोटे-छोटे ships भी ये लोग बनाते हैं. And ships which are more advanced in terms of technology, like platform supply vessels, anchor handling tug supply vessels. तो इनका expertise जो mainly है किसमें है? Bulk carriers बनाने में है, से लेके छोटे-छोटे ships बनाने में। और कुछ शिप्स होता है जिसमें हाई टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल्स हो गए, एंकर हैंडलिंग टग सप्लाई वेसल्स हो गए, इनमें भी इनका काफी एक्सपर्टाइज है। तो इस तरह के शिप को जनरली ये लोग बनाते हैं। इनके पास टेक्निकल लीडरशिप भी है, टेक्नोलॉजी इनके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इनके पास है। एज अ टेक्नोलॉजी लीडर इन इंडिया, सीएसएल यानी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड has adopted the Japanese integrated hull outfitting and painting system. तो इन्होंने जापान से कोई टेक्नोलॉजी यानी जापानीज टेक्नोलॉजी को लिया है for its new construction, which gives it a clear edge to the company in field of fabrication, of commissioning, of accommodation modules and topside modification. यानी किसी भी तरह के शिप को जब रिपेयर करने का जरूरत पड़ता है, उसमें मॉडिफिकेशन करने का जरूरत पड़ता है, तो उसमें कुछ टेक्नोलॉजी का जरूरत पड़ता है। तो ये टेक्नोलॉजी इन्होंने जापान से लिया है, जिसके वजह से इनको काफी एज मिलता है, ये काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो इनको जापान से मिली है। तो इनको काफी मदद मिलता है शिप्स को रिपेयर और ये सब करने की। इनका खासियत क्या है, इन्होंने क्या क्या ऐसा काम किया है जो कि
अचीवमेंट कहला सकता है। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इज इंडिया फर्स्ट ग्रीन फील्ड शिपयार्ड यार्ड शिप बिल्डिंग यार्ड। तो ये इंडिया का सबसे पहला ग्रीन फील्ड शिप बिल्डिंग यार्ड। इट इज ओनली शिपयार्ड इन इंडिया विद अ शिप बिल्डिंग कैपेसिटी अप टू 1,10,000 DWT। नाउ व्हाट इज DWT? DWT इज अ डेड वेट टनेज। DWT का फुल फॉर्म क्या है? डेड वेट टनेज। ये क्या होता है? ये यूनिट होता है, ठीक है। इट्स अ टन डेड वेट इज मेजर ऑफ हाउ मच वेट अ शिप कैन कैरी। यानी ये एक यूनिट है, जैसे केजी होता है, टन्स होता है। तो शिप कितना लोड कैरी कर सकता है उसका मेजरमेंट के लिए जो यूनिट यूज करते हैं दैट इज DWT कॉल्ड एज डेड वेट टनेज, ठीक है। तो इसका टोटल कैपेसिटी जो है इनका शिपयार्ड में शिप बिल्डिंग कैपेसिटी कितना है? 1,10,000 डेड वेट टनेज के जितना कैपेसिटी, विच कैन रिपेयर शिप्स अप टू 1,25,000 DWT। इट इज द ओनली यार्ड विच कैन रिपेयर एयर डिफेंस शिप्स। तो ये एकमात्र ऐसा यार्ड है जो एयर डिफेंस के शिप को भी यहाँ पर रिपेयर करने का काम कर सकती है। इट हैज एट इट्स क्रेडिट ऑफ सिक्योरिंग 3 मेजर ऑर्डर्स फ्रॉम ONGC फॉर रिपेयर्स ऑफ 2 मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट एंड 1 जैकअप रिग। तो इनको ONGC से भी 3 बड़ा ऑर्डर मिल चुका है। कंपनी वॉज डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड अंडर टेक्निकल कोलैबोरेशन विद MX मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज जापान। तो मैंने अभी जो डिस्कस किया था कि इनका जो टेक्नोलॉजी है इनको जापान से मिला है। कौन सी कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप कर रखा है? MS मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के साथ इन्होंने टाई अप कर रखा है। क्या क्या प्रोडक्ट्स है देखते हैं कि इनके मेन मेन प्रोडक्ट्स क्या है। तो सबसे पहला जो इनका मेन प्रोडक्ट है दैट इज टैंकर। नाउ व्हाट इज टैंकर? टैंकर क्या होता है? टैंकर इज अ शिप डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट और स्टोर लिक्विड और गैसेस इन बल्क। यानी या तो इसमें से इसके थ्रू हम लोग लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, गैसेस को ट्रांसफर करने का काम करते हैं बल्क क्वांटिटी। मेजर टाइप ऑफ टैंक शिप इंक्लूड ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर, गैस कैरियर। टैंकर्स ऑल्सो कैरी कमोडिटीज सच एज वेजिटेबल ऑयल्स, मोलासेस एंड वाइन। तो ये सारा कुछ कैरी करने में मदद करता है जो शिप, उसका नाम टैंकर। नेक्स्ट इनका जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कैरियर। तो प्रोडक्ट कैरियर इज मोर और लेस लाइक अ टैंकर, पर टैंकर में जनरली क्या होता है? केमिकल टैंकर होता है, ऑयल टैंकर होता है, इस तरह का चीज होता है। अब प्रोडक्ट कैरियर क्या क्या होता है? प्रोडक्ट कैरियर कैरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक गैसोलीन, नाफ्ता, केरोसिन एंड डीजल ऑयल। तो प्रोडक्ट कैरियर क्या जनरली कैरी करता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स करता है। These ships are essential in transporting cargo to areas that do not have facilities to refine crude oil. तो ये ship generally किस काम में मदद करता है? ऐसे कुछ कुछ areas होते हैं जहां पर किस crude oil को refine करने का facility नहीं होता। तो crude oil को refine करने के बाद जो product निकलता है like gasoline, naphtha, kerosene and diesel oil, इन सब चीजों को transport करने में मदद करता है product cargo। नेक्स्ट बल्क कैरियर क्या होता है? बल्क कैरियर और अ बल्कर इज अ मर्चेंट शिप स्पेशली डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट अनपैक्ड बल्क कार्गो सच एज ग्रेन्स, कोल, ओर, स्टील कॉइल्स एंड सीमेंट इन इट्स कार्गो होल्ड। यानी जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफी ओपन स्पेस नजर आ रहा है हम लोग को। तो इस ओपन स्पेस में ये लोग क्या करते हैं? ऐसे सामान को इसके ऊपर लोड किया जाता है जिसका पैकिंग नहीं हुआ है। दे आर अनपैक्ड बल्क कार्गो। अनपैक्ड मतलब इसमें किसी तरह का कोई कंटेनर्स नहीं। तो इसमें जनरली ग्रेन्स हो गया, कोयला हो गया, आयरन ओर हो गया, स्टील हो गया, कॉइल्स हो गए, सीमेंट हो गए, इस तरह के कमोडिटी को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है बल्क कैरियर। पैसेंजर वेसल। तो पैसेंजर वेसल ये हम लोग नाम से ही समझ पाते हैं कि नॉर्मल जो हम लोग शिप देखते हैं, क्रूज देखते हैं, इस तरह का जो शिप होता है ये पैसेंजर व्हीकल वेसल होता है। ये मर्चेंट शिप में गिनती होता है इसका। उस प्राइमरी फंक्शन इज टू कैरी पैसेंजर्स ऑन द सी। द कैटेगरी डज नॉट इंक्लूड कार्गो वेसल। तो पैसेंजर वेसल का मतलब कार्गो वेसल नहीं होता है, विच हैव अकोमोडेशन फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ पैसेंजर्स। कार्गो वेसल क्या होता है? उसका मेन फंक्शन होता है कमोडिटी को और
ग्रेन्स को, कोयला को, ये सब को ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसमें कुछ पैसेंजर्स लोग उस सामान के हिफाजत के लिए जाते हैं, बट द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू कैरी द पैसेंजर। पर जब पैसेंजर वेसल का बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव इज सोलली टू कैरी द पैसेंजर, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। फिर देखते हैं टग बोट क्या होता है। टग बोट क्या है? अ टग और अ मोर कॉमनली नोन एज टग बोट इज अ सेकेंडरी बोट विच हेल्प्स इन मूरिंग और बर्थिंग ऑपरेशंस ऑफ अ शिप बाय ईदर टाउइंग और पुशिंग द वेसल टुवर्ड्स द पोर्ट। यानी ये एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ बोट होता है जिसका काम होता है मेगा शिप्स को गेम पोर्ट के पास ले जाने का। यानी वो पोर्ट के पास खुद कॉर्नर में रहता है और दूसरों को या तो पुल करने का काम करता है या तो दूसरे शिप को पुश करने का काम करता है। तो ये बेसिकली हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करता है दूसरे शिप, इसलिए इसको टग बोट बोलते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो इनका प्रोडक्ट है वो है एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर इज अ वॉरशिप दैट सर्व्स एज अ सी गोइंग एयर बेस इक्विप्ड विद फुल लेंथ फ्लाइट डेक एंड फैसिलिटीज फॉर कैरिंग आर्मिंग डिप्लॉइंग एंड रिकवरिंग एयरक्राफ्ट। यानी ये एयरक्राफ्ट कैरियर, जैसा कि नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर से क्या होता है, ये हेल्प करता है एयरक्राफ्ट को यहाँ से टेक ऑफ करने के लिए। तो जो वॉर एयरक्राफ्ट होते हैं, जो वॉर जेट प्लेन्स और ये सब जो होते हैं, उसको टेक ऑफ करने के लिए, हेलीकॉप्टर्स को टेक ऑफ करने के लिए, प्लेन्स को टेक ऑफ करने के लिए दे प्रोवाइड अ रनवे। तो रनवे प्रोवाइड करने के लिए इस तरह का हम लोग शिप बनाते हैं। तो ये काम कौन करती है? कोचिंग शिपयार्ड ये प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। अब हम लोग देखते हैं इसकी कौन कौन सी फैसिलिटीज है। तो इनका मेन फैसिलिटी देखो कहाँ कहाँ पर है। तो कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड जो इनका कोची में सबसे पहला जो सबसे बड़ा यूनिट है, इसमें शिपयार्ड, यहाँ पर दो वर्ड का मतलब क्लियर होना चाहिए। शिपयार्ड का जब मैं बात करता हूँ तो शिपयार्ड का मतलब होता है जहां पर शिप का मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होता है। फिर यहाँ पर आता है इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी। तो यहाँ पर साफ साफ बता दे रहा है कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं होता, यहाँ रिपेयर्स का काम होता है। तो ये समझ में आना चाहिए नाम से कि कौन कौन से यूनिट में रिपेयरिंग का काम चल रहा है और कौन कौन से यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है। तो कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड जो है कोची में, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। फिर इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी ISRF कोची में जो है, वहां पर इनका रिपेयरिंग का काम होता है। वहां पर इनके पास 6 वर्क स्टेशन है, ठीक है, इसमें डेडिकेटेड शॉप और मैरिटाइम पार्क भी है। फिर CSL मुंबई शिप रिपेयर यूनिट, तो नाम से ही समझ में आ रहा है रिपेयर यूनिट, इसमें 1 किलोमीटर बर्थ ऑफ अफ्लोट रिपेयर का पॉसिबिलिटी है। कोलकाता में भी शिप रिपेयर यूनिट है, ठीक है। देन अंडमान एंड निकोबार में भी शिप रिपेयर यूनिट है। हुगली कोचिंग शिपयार्ड, हुगली में जो है, जो कोलकाता में इनका जो प्लांट है वहां पर क्या है, शिपयार्ड है। शिपयार्ड यानी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। नेक्स्ट अगेन CSL तेंबा शिपयार्ड मालपे में है, ये भी शिपयार्ड है, यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। इट्स अ स्टैंड अलोन फैसिलिटी फॉर मीडियम साइज वेसल, यहाँ पर मीडियम साइज वेसल बनाया जाता है। यहाँ पर जो हुगली में, यहाँ 5 आउटफिटिंग जेटीज बनाने का कैपेबिलिटी। तो इससे तो वो क्या समझ में आ रहा है कि कितना मैन्युफैक्चरिंग और कितना रिपेयर है। तो ये भी रिपेयर है, ये भी रिपेयर है, ये भी रिपेयर है। तो टोटल 4 यूनिट हम लोग को रिपेयर कर दिख गया। ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये मैन्युफैक्चरिंग, तो 3 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग का है कोची में, कोलकाता दैट इज हुगली में एंड देन मालपे में। तो ये 3 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग का, रिपेयर का इनके पास कितना है, 4 यूनिट है, कोची में है, मुंबई में है, फिर यहाँ कोलकाता में है और एक और रिपेयर का अंडमान एंड निकोबार में। क्रेडेंशियल्स में देखेंगे हम लोग कंपनी ने अभी तक क्या क्या एक तरह से अचीवमेंट किया और क्या क्या बड़ा काम अभी तक कंपनी ने किया है। शिप बिल्डिंग में कंपनी ने अभी तक क्या क्या बड़ा काम किया, has built various types of vessels, और अलग अलग टाइप का वेसल ऑलरेडी ये लोग बना चुके हैं, including oil tankers, bulk carriers, tugs, dredgers, platform, supply vessels, passenger vessels, anchor handling tug supply vessel, reputed international clients इनके पास है। Currently वो लोग क्या काम कर रहे हैं, they are building aircraft carrier, ये लोग aircraft carrier भी बना रहे हैं, technology demonstration vessels बना रहे हैं, passenger vessels बना रहे हैं, floating बॉर्डर आउटपोस्ट बना रहे हैं। फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट क्या होता है,
ये एक तरह का फ्लोटिंग पुलिस स्टेशन होता है जिनके पास चार शिप्स होता है, हाई स्पीड शिप्स होता है। जैसे पुलिस स्टेशन के बाहर जीप होता है, वैसे यहाँ पर फ्लोटिंग पुलिस स्टेशन है जिसके बाहर चार हाई स्पीड शिप्स भी रहता है। तो ये बना रहे ये लोग, रो रो वेसल्स बना रहे हैं, मराइन एम्बुलेंस बोट बना रहे हैं। तो जिस तरह से एम्बुलेंस रास्ता में चलता है, ये एम्बुलेंस बोट है जो कि सी में या रिवर में चलता है। देन यहाँ पर फिशिंग कॉर्वेट्स, फिशिंग एएसडब्ल्यू कॉर्वेट बना रहे हैं, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पैसेंजर वेसल्स भी ये लोग बना रहे हैं। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज पे ये लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बट इम्पॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जितना भी ये लोग शिप्स बना रहे हैं, देयर ऑल स्मॉल टिकट साइज, इनका टिकट साइज बहुत छोटा होता है। कंपेयर टू अगर हम मजगांव डॉक का बात करें, तो मजगांव डॉक डिस्ट्रॉयर्स बनाती है, कॉर्वेट्स बनाती है, फ्रेट्स बनाती है, जिनका टिकट साइज बहुत हाई होता है। एक एक ऑर्डर, एक एक शिप का ऑर्डर जो होता है 8-8 हजार करोड़ के आसपास होता है, 5-8 हजार करोड़। और ये जो शिप बनाते हैं, ये स्मॉल साइज शिप बनाते हैं जिनका टिकट साइज स्मॉल होता है। फिर मेन इनका काम जो है शिप रिपेयर का, इनका बहुत बड़ा काम है। द ओनली यार्ड इन इंडिया विच हैज अंडरटेकन ड्राई डॉक रिपेयर्स ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विराट एंड INS विक्रमादित्य। तो दिस इज जिसको हम लोग बोलते हैं नील का पत्थर। तो कंपनी के हिस्ट्री में ये इनको एक बहुत बड़ा नील का पत्थर है कि इन्होंने INS विराट और INS विक्रमादित्य जैसे शिप को रिपेयर करने का काम किया। ऑफशोर में दे हैव अंडरटेकन वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड ऑफशोर अपग्रेडेशन कॉन्ट्रैक्ट आल्सो। तो इस तरह का बहुत सारा बड़ा बड़ा काम ऑलरेडी कंपनी कर चुकी है और आगे भी कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। इनके क्लाइंट्स का बात करें तो इनके पास डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह के क्लाइंट है। डोमेस्टिक में अगर बात करें तो इनके पास इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे बड़े बड़े क्लाइंट है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स में नेशनल पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि अबू धाबी की कंपनी है, द क्लिपर ग्रुप जो कि बहामास की कंपनी है, वैरून ऑफशोर नीदरलैंड्स के, और सिग्मा दैट इज नॉर्वे कंपनी। तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं और इनके पास डोमेस्टिक क्लाइंट्स तो है। अभी इनका अगर एक्सपेंशन प्लान्स का बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेंशन भी कंपनी कर रही है। तो इनका सबसे पहला प्रोजेक्ट जो एक्सपेंशन में चल रहा है, इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी है, ठीक है। इसमें 970 करोड़ के आसपास का कैपेक्स करेगी कंपनी। इससे क्या बेनिफिट होगा, रिपेयर ऑफ 80 एडिशनल वेसल ईयर, यानी 80 एडिशनल वेसल को ये लोग एक्स्ट्रा रिपेयरिंग का काम कर सकेंगे आफ्टर दिस एक्सपेंशन। इंक्रीज इन रिपेयरिंग थ्रूपुट 70% बढ़ जाएगा, यानी इनका जो कैपेबिलिटी है वहां से 70% रिपेयर से इनकम बढ़ने का अपॉर्चुनिटी है। 78% ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है ये प्रोजेक्ट। और फिर क्या हुआ, इसमें जो पुराने कॉन्ट्रैक्टर थे वो कॉन्ट्रैक्टर ने काम बंद कर दिया है, तो अभी कंपनी किसी नए कॉन्ट्रैक्टर को खोज रही है जो रिमेनिंग काम को कंप्लीट कर सके। फिर न्यू ड्राई डॉक, वो लोग पूरा ग्रीन फील्ड फैसिलिटी नया से बना रहे हैं, न्यू ड्राई डॉक। द क्वेश्चन इज ड्राई डॉक क्या होता है। ड्राई डॉक एक ऐसा एरिया है जहां पर जब चाहे हम लोग वहां पर पानी ला भी सकते हैं और जब चाहे वहां से पानी ड्रेन आउट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि शिप को जब रिपेयर किया जाता है तो जनरली हम लोग को ड्राई डॉक का जरूरत पड़ता है, ताकि शिप के ऊपर जब हम लोग वेल्डिंग का काम कर रहे हैं या किसी तरह का फिटिंग का काम कर रहे हैं, तो उस समय हम लोग को शिप स्टेबल चाहिए, फ्लोट होता हुआ नहीं चाहिए। तो वहां से हम सारा पानी को ड्राई आउट कर देंगे, ड्रेन आउट कर देंगे। और फिर जब शिप हमको लगेगा कि हम लोग को लगेगा कि ऑलमोस्ट रिपेयर हो गया, एक बार चला के ट्रायल देखते हैं, तो उस समय हम लोग को पानी का जरूरत पड़ेगा फ्लोट कराने के लिए। तो वहां पर फिर से वहां पर पानी ले आएंगे और फ्लोट करा के देखेंगे। तो ऐसा जो एरिया होता है इसको ड्राई डॉक बोलते हैं। तो एक नया ड्राई डॉक कंपनी बना रही है, टोटल 1800 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी इंटेंसिव लार्ज वेसल्स यहां पर करेंगे, जैसे LNG वेसल्स, ऑफशोर ड्रिलशिप एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ऑफशोर रिग्स, सेमी सबमरीन एक्सेट्रा। तो इस तरह का ये ड्राई डॉक जो आएगा उसमें इस तरह का कंस्ट्रक्शन का काम होगा। इसका स्टेटस क्या है, 60% कंप्लीट हो चुका है और अभी रिवाइज टारगेट आया है। रिवाइज टारगेट क्यों आया, क्योंकि कोविड के वजह से लेबर्स लोग चले गए थे, जो वहां पर मैनुअल लेबर्स काम करते थे उनका काम थोड़ा सा रुक गया था बीच में। तो इसीलिए जो टारगेट रिवाइज करके उन्होंने जुलाई 2023 तक एक्सपेक्टेड है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। हुगली कोचिन शिपयार्ड में इनका कुछ फैसिलिटी आ रहा है। इसमें क्या होगा, दे टारगेट कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स ऑफ इनलैंड वाटर एंड कोस्टल वेसल्स। फिर उडुपी कोचिन शिपयार्ड में मालपे में फैसिलिटी जो आ रहा है, वहां पर इनका टारगेट है कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर्स ऑफ स्मॉल वेसल्स लाइक टग्स, फिशिंग वेसल्स एक्सेट्रा।
और इसका किसी भी तरह का स्टेटस कंपनी ने नहीं दिया है कि कब तक कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी तक पूरा ये काम ढंग से फुल ऑन स्टार्ट नहीं हुआ है. वेरी सून इट इज गोइंग टू टेक स्टार्ट. कंपनी का ऑर्डर बुक का बात करें तो काफी अच्छा ऑर्डर बुक है कंपनी के पास. ऑलमोस्ट सब मिला के 11,260 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास. कंपनी का अगर ईयरली रिवेन्यू देखें तो 3,500 करोड़ के आसपास का टॉप लाइन है साल का. तो उस हिसाब से अगर इनके पास 11,000 करोड़ के आसपास का अगर ऑर्डर बुक है तो करीब करीब 3 साल का इनके पास रिवेन्यू विजिबिलिटी नजर आता है कि 3 साल तक तो एटलीस्ट रिवेन्यू कंसिस्टेंट रहेगा. तो इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर का इंडियन नेवी से 2700 करोड़ का ऑर्डर है. बड़ा ऑर्डर जो इनके पास है ASW कॉर्बेट जो कि इंडियन नेवी को ये लोग सप्लाई करेंगे, वहां 8 कॉर्बेट का ऑर्डर है. यहाँ करीब करीब ये 6,000 करोड़ का ऑर्डर है. तो ये जो कॉर्बेट है ये छोटा साइज का कॉर्बेट है जिसका ऑलमोस्ट पर यूनिट वैल्यू जो है ये करीब करीब कितना 1,000 करोड़ भी नहीं है. 8 यूनिट का 6,000 करोड़ है तो 800 करोड़ के आसपास 900 करोड़ के आसपास भी पर यूनिट नहीं है. जबकि नॉर्मल जो बड़े बड़े कॉर्बेट साइज होते हैं जो कि मजगांव डॉक नॉर्मली बनाता है उसका टिकट साइज काफी बड़ा होता है. तो ये छोटे कॉर्बेट्स है जो कि ये सप्लाई करेगी इंडियन नेवी को और एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडियन नेवी को सप्लाई करने वाले हैं. उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे पैसेंजर फेरी बैटरी है, एस्को आर्गो ट्रेज, ये सब छोटे छोटे ऑर्डर. अगर इनका फाइनेंशियल्स का बात करें तो फाइनेंशियल्स भी काफी अच्छा ही है कंपनी का. अगर पूरे साल का कंसोलिडेटेड लेवल पे बात करें तो FY21 में 2800 करोड़ के आसपास का इनका टॉप लाइन था जो कि FY22 में बढ़ के करीब करीब 3200 करोड़ हो गया. प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 800 करोड़ से थोड़ा सा घट के 765 करोड़ हो गया. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी थोड़ा सा कम हुआ है, 608 करोड़ से घट के 563 करोड़ हुआ. अर्निंग पर शेयर ऑब्वियसली जब प्रॉफिट गिरा है तो EPS भी गिरेगा, 46 से घट के 43 के आसपास हो गया. प्रॉफिट मार्जिन जो है 22% का प्रॉफिट मार्जिन होता था 18% हो गया. EBITDA 919 करोड़ से घट के 882 करोड़ हो गया. अब इम्पॉर्टेंट चीज समझना ये है कि जो इस तरह की कंपनी होती है जो इस तरह का इंजीनियरिंग जैसा कुछ काम करती है जहाँ कुछ बड़ा इक्विपमेंट बना के सप्लाई करना है उसमें हम लोग क्वार्टर बाई क्वार्टर या ईयर बाई ईयर रिवेन्यू को ऐसे मैच करेंगे ना तो ये थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है. वी आर नॉट एबल टू टेक द राइट डिसीजन क्योंकि इनका जो रेवेन्यू ये डिपेंड करता है कि इनका प्रोजेक्ट जो एक जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो कब कंप्लीट हो जाएगा, किस स्टेज पे वो प्रोजेक्ट है. तो ऐसा नहीं है कि अगर इनके इनका जो 2800 करोड़ का ये 2800 करोड़ का बिक्री 3200 करोड़ हुआ है और प्रॉफिट कम हुआ है तो यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया, ऐसा नहीं है. यहाँ पर बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि क्यों इनका प्रॉफिट कम हुआ, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कमोडिटी का दाम FY22 में काफी बढ़ गया था, है ना. हम लोग को पता है कि कोई भी शिप जब बनाते हैं तो सबसे मेन रॉ मटेरियल क्या होता है, स्टील होता है. और स्टील का प्राइस जो है काफी बढ़ गया था रिसेंटली, एकदम कमोडिटी साइकिल में एकदम बूम आ रखा था और स्टील अल्यूमिनियम ये सब के प्राइस आसमान छू रहे थे. एनर्जी कॉस्ट काफी बढ़ चुका है, कोयला का दाम बढ़ गया था. तो ये सब चीज में क्या होता है कॉस्टिंग काफी बढ़ गया जिसकी वजह से मार्जिन थोड़ा सा कम हो गया. बट अब रिसेंटली फिर से हम लोग देख रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस आर कमिंग डाउन. तो आगे चल के जो फ्यूचर है या नेक्स्ट FY23 का बात करें तो कमोडिटी प्राइस जैसे जैसे सॉफ्टन होगा इनका मार्जिन दोबारा से हमें बढ़ता हुआ दिख सकता है. तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी. इंटरेस्टिंग चीज ये है कंपनी के पास की अभी भी 11,600 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है. तो ऑर्डर जैसे जैसे पूरे होंगे और जैसा कि यूक्रेन वॉर के बाद हम लोग देख रहे हैं सारी कंट्री अपने डिफेंस पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहती है, डिफेंस का बजट बढ़ाना चाहती है. और साउथ ईस्ट एशिया जो साउथ ईस्ट चैनल और ये सब जो सी है इसमें काफी डिस्टर्बेंस ऑलरेडी चाइना की वजह से इंडिया फेस कर रहा है. तो अपने सी और नेवल फोर्सेस को इंडिया और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए अगर चाइना को कम्बैट करना है तो वहां पर शिप्स का काफी ऑर्डर आएगा और पुराने शिप्स का रिपेयर्स का भी काफी ऑर्डर इस कंपनी को मिल सकता है क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा के लिए काफी अभी वहां पर डेवलपमेंट का जरूरत है, अपने नेवी को और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का जरूरत है. तो वहां पर वी कैन एक्सपेक्ट अ बिग ऑर्डर्स कमिंग टू दिस कंपनी इन फ्यूचर. रिवेन्यू मिक्स का अगर बात करें तो किससे कितना रिवेन्यू आता है, अगर हम कंसोलिडेटेड लेवल पे देखें तो FY शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर से कितना कितना रिवेन्यू है. शिप बिल्डिंग से पिछले साल 2400 करोड़ का रिवेन्यू था, इस साल 2500 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू. शिप रिपेयर से 413 करोड़ का रिवेन्यू था जो बढ़ के ऑलमोस्ट 680 करोड़ हो गया. तो टोटल टर्नओवर 2800 करोड़ से बढ़ के 3200 करोड़ के आसपास आ गया.
अदर इनकम 190 करोड़ था, अभी 262 करोड़ है, तो ऑल टुगेदर इनकम 3000 करोड़ से करीब करीब 3450 करोड़ के आसपास। तो इनका मेन जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो क्या है, शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग से मेजर पोर्शन आता है, अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 20% यहाँ से आता है और 80% बिजनेस जो है वो शिप बिल्डिंग से आता है। तो रिपेयर से सिर्फ 20% बिजनेस अभी रिपेयर से आ रहा है। टर्नओवर अगर हम देखें तो टर्नओवर हर साल FY13 से कंपेयर करें तो 1500 करोड़ का टर्नओवर हुआ करता था कंपनी का, और हर साल धीरे धीरे टर्नओवर बढ़ ही रहा है। FY20 में ये काफी बढ़ गया था, 3400 करोड़ का था। FY21 में कोरोना के वजह से कोई काम धाम ढंग से हुआ नहीं, तो ऑब्वियसली टर्नओवर डाउन हुआ, बट FY22 में अगेन दे आर रिकूप दोबारा से। बट FY22 में भी देखो, 3 महीना जब सेकेंड वेव आया था तो काफी डेंजरस सेकेंड वेव था, तो आउट ऑफ 12 मंथ 3 मंथ्स वॉज ऑलमोस्ट नल एंड वॉइड, मतलब 3 महीना ढंग से काम नहीं हो पाया था। उसके बाद भी कंपनी ने ऑलमोस्ट 3200 करोड़ का टर्नओवर किया है, विच इज अ गुड साइन। तो देखा जाए तो प्रैक्टिकली 9 मंथ्स में कंपनी ने ये रेवेन्यू जनरेट किया। मार्जिन का बात करें, EBITDA मार्जिन, तो इनका EBITDA मार्जिन पहले 20% हुआ करता था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 24% पहुंचा, 28% हुआ, 27% हुआ, अभी दोबारा से इन्होंने 28% EBITDA मार्जिन कर लिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अगर बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हर साल बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर FY20 में सबसे ज्यादा था, 21 में थोड़ा सा बढ़ा, 21 में थोड़ा सा घटा कंपेयर टू FY20, 22 में और भी घट गया। द रीजन वॉज बेसिकली द कमोडिटी प्राइसेस वेर वेरी हाई, तो मार्जिन इनका काफी डिप हुआ और उसकी वजह से इनको थोड़ा सा दिक्कत आया। नेटवर्थ और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ऑलमोस्ट 14-15-16% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी करती है। FY22 में गिर के 13% हो गया, ऑब्वियस रीजन हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि FY23 में रिटर्न ऑन इक्विटी दोबारा से 15-16% टच कर सकता है। नेटवर्थ इनका हर साल बढ़ते जा रहा है, यानी कंपनी रेगुलरली प्रॉफिट कमा रही है। किसी भी साल जनरली लॉस करते हुए हम लोगों ने कंपनी को नहीं देखा, दैट इज द रीजन कि एवरी ईयर द नेटवर्थ इज इंक्रीजिंग। अगर कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करें कि स्ट्रेंथ क्या है और कहां कहां पर चैलेंजेस हो सकते हैं, तो इनका वेल स्टैब्लिश्ड ऑपरेशंस एंड स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का। रेवेन्यू का सोर्स जो है, डाइवर्स रेवेन्यू स्ट्रीम है इनके पास। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ऑर्डर बुक पोजिशन प्रोवाइडिंग रेवेन्यू विजिबिलिटी फॉर मीडियम टर्म। हाउएवर हाईली कंसेंट्रेटेड ऑर्डर बुक है, यानी गिने चुने 8 या 9 ऑर्डर है उसी में पूरा ऑर्डर बुक है, तो कहीं ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए, दैट इज अ रिस्क। पर जनरली यहाँ पर ऑर्डर हम लोग देखेंगे तो मेन 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ का ऑर्डर जो है इनको इंडियन नेवी से मिला हुआ, और इंडियन नेवी को स्ट्रॉन्ग करना अभी गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट एक तरह से कंपल्शन हो गया है, तो वहां से ऑर्डर कैंसिल हो जाए उसका चांसेस बहुत कम है। चैलेंजेस क्या है कि लार्ज साइज केपेक्स ऑलरेडी ये प्लान करके बैठे, और केपेक्स में भी हम लोग देख रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्टर छोड़ दिया, दूसरा अभी तक मिला नहीं है, तो वहाँ थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन का चैलेंजेस है। ऑपरेशनल रिस्क है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इज वेरी हाई, तो अगर रेवेन्यू नहीं आता है तो ऑब्वियसली मार्जिन पे काफी असर पड़ जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इसलिए हो जाता है कि ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी अगर डिप करता है तो इनको चैलेंजेस है। और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ओवरऑल हम लोग जानते हैं ये थोड़ा सा साइक्लिक होता है, एंड साइक्लिक में क्या होता है हम लोग को समझना पड़ता है। कभी कोई भी साइक्लिक कंपनी या साइक्लिक इंडस्ट्री का जब भी हम स्टडी करते हैं और ऐसी कंपनी के बारे में पढ़ते हैं जो साइक्लिक इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, तो बहुत जरूरी है उस समय उसका साइकिल समझना कि अभी जो सिचुएशन है पूरे माइक्रो या मैक्रो लेवल में क्या लगता है कि आगे चल के शिप बिल्डिंग या शिप रिपेयर्स के ऑर्डर बढ़ेंगे या घटेंगे। तो अगर हम लोग को लगता है कि नहीं, जैसा कि हम लोग अभी सिचुएशन देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एवरीबडी इज विलिंग टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, सब कोई अपना डिफेंस को मजबूत करना चाहता है, चाहे वो छोटी कंट्री हो चाहे वो बड़ी कंट्री हो। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद इट हैज बिकम ऑलमोस्ट कंपल्सन फॉर एवरी कंट्री कि वो अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करे। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट का पॉलिसी भी देखें तो वो लोग इंडिजनाइजेशन पॉलिसी पे आ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को नेगेटिव लिस्ट में डाल दे रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स को, कि नहीं ये वाला हम लोग इंडिया में बने वही चीज यूज करेंगे, इंडियन कंपनी से ही ये वेपन्स खरीदा जाएगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि उनको इंडियन गवर्नमेंट से भी आगे चल के बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले। तो साइक्लिसिटी अगर हम लोग बात करें तो अभी ये फेवर में, ये अभी डिफेंस इक्विपमेंट्स के साइकिल फेवर में है, जिसके वजह से हम लोग को लग रहा है कि आने वाला 1 या 2 साल डिफेंस इंडस्ट्री ओवरऑल के लिए बहुत अच्छा होगा।
अगर इसके वैल्यूएशन का बात करें तो इनका इनका जो रेवेन्यू आया है पिछले साल FY22 में 3190 करोड़ आया। अब यहाँ पर तीन सिचुएशन लिखते हैं, बुल केस, बियर फेज, सॉरी दिस इज बियर फेज एंड दिस इज नॉर्मल फेज। तो बुल फेज अगर रहता है तो एक्सपेक्ट करते हैं कि 15% का टॉप लाइन ग्रोथ आएगा, तो रेवेन्यू 3670 करोड़ के आसपास चला जाएगा। ठीक है, ये 25% यहाँ मिसटाइप किया हुआ है। ठीक है, तो 15% का अगर हम लोग ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं तो यहाँ पर 3670 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आना चाहिए। 23% का इबिटा मार्जिन अगर हम लोग लेते हैं तो वहां से इबिटा 850 करोड़ करीब आएगा। ईवी बाई इबिटा जो मल्टीपल ले रहे हैं 8 times अगर ले रहे हैं हम लोग अज्यूम कर रहे हैं तो वहां पर इनका एंटरप्राइज वैल्यू 6750 आएगा। 544 करोड़ इनका डेट है तो मार्केट कैप बन जाता है 3206। 13 करोड़ शेयर है तो फेयर वैल्यू जो निकल के आता है 470 रुपया के आसपास का टारगेट निकल के आता है। करेंटली इट इज ट्रेडिंग अराउंड 320, बट दिस इज ऑन द कंडीशन की जो इकोनॉमी है, जो इस इंडस्ट्री का साइकिल है वो बुल फेज में। अगर ये मान लो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस से चला, कोई खास बड़े ऑर्डर्स नहीं आए, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 9% का टॉप लाइन ग्रोथ तो कर ही लेगी कंपनी, तो 3500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हो जाएगा। मार्जिन जो है वो 20% के आसपास आ जाना चाहिए। 7 का मल्टीपल अगर हम देते हैं तो इसका वैल्यूएशन जो आता है निकल के 327 रुपये आता है और करीब करीब उसी के आसपास ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और अगर मान लो कि डिफेंस का ऑर्डर नहीं आता है और यहाँ पर एक बियर फेज आ जाता है इस इंडस्ट्री में, तो टॉप लाइन ग्रोथ जो है 6% से ज्यादा नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा, और वहां पर इबिटा मार्जिन भी कम हो जाएगा इनका, 16% से बेसिक इनको इबिटा मार्जिन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इनका जो प्राइस आएगा 204 रुपया के आसपास तक गिर सकता है अगर बियर फेज में चले गई इंडस्ट्री पर। तो करेंटली 321 से करीब करीब 120 रुपया तक का डाउनसाइड पॉसिबल। तो ये तीन अलग अलग सिचुएशन है जहां पर कंपनी का एक टारगेट प्राइस क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू माई एस्टिमेट्स, की कंपनी कितना ऑर्डर मिलेगा, कितना टॉप लाइन ग्रो कर सकती है और क्या मार्जिन कंपनी एक्सपेक्ट कर सकता है। यहाँ पर कंपनी के बुक्स में 3163 करोड़ का कैश भी अपने को नजर आएगा, बट इम्पॉर्टेंट है समझना कि ये जो कैश होते हैं ना, ये कैश एक्चुअली कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी के जैसे होते हैं, कि जो नेवी से इनको ऑर्डर मिला हुआ है या बाकी जो बिजनेसमैन से इनको ऑर्डर मिला हुआ है, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में इन लोगों ने कुछ एडवांसेस ले रखा है, तो वो एक्चुअली कैश जो है वो इनका खुद का पैसा नहीं है, ये इनके लिए एक कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी होती है। तो आई एम अज्यूमिंग कि कंप्लीट कैश, थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर मैंने वैल्यूएशन किया है, अज्यूमिंग कि ये पूरा का पूरा कैश जो इनका कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी है, और उसके बाद ये कंजर्वेटिव वैल्यूएशन निकल गया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंपनी कोचिन शिपयार्ड। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको एकदम समझ में आ गया होगा क्लियरली कि ये कंपनी क्या काम करती है, इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, किस तरह का ऑर्डर बुक कंपनी के पास है, और आगे कंपनी का ग्रोथ किस तरह से हो सकता है, और ग्रोथ के हिसाब से क्या डिफरेंट वैल्यूएशंस कंपनी का निकल के आता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको कुछ सीखने मिल रहा है कि कंपनी को कैसे देखते हैं, उसके बिजनेस को कैसे स्टडी करते हैं, और अगर आपको लगता है कि इससे आपको कोई फायदा हो रहा है, कुछ सीखने मिल रहा है, तो काइंडली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।